एनसीईआरटी धमाका 98 की तरफ से स्कॉलरशिप एग्जाम कराया जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप स्कॉलरशिप तो प्राप्त कर ही सकते हो और साथ के साथ फ्री कोर्सेज का भी आनंद उठा सकते हो। और अगर आप इन कोर्सों को ज्वाइन करते हो और ज्वाइन करने के बाद जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें आप अगर एक अच्छी रैंक पर आते हो तो आपको एक टैबलेट कंप्यूटर द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि उनको एक जॉब मिल जाए तो हमारे यहाँ पर 100% प्लेसमेंट की गारंटी है, उनको एक अच्छे संस्थान में जॉब भी दिलवाई जाएगी। दोस्तों वीडियो को स्किप करना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने वाली नॉलेज आपको यहाँ से मिल सकती है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि स्कॉलरशिप एग्जाम किस लिए कराया जा रहा है और उसमें आपको कौन कौन से कोर्स सीखने के मौके मिलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें हमारी संस्था का नाम है ईमैक्स कंप्यूटर एजुकेशन, जो कि एनसीईआरटी धमाका 98 शिप कोचिंग के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे किस किस तरह से सर्टिफाइड है, तो हम यहाँ पर देखेंगे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा ये सर्टिफाइड है और साथ ही यूके द्वारा भी ये सर्टिफाइड है। इसके अलावा आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन इसके पास मौजूद है, यानी कि अगर आप इसको गवर्नमेंट जॉब में ये सर्टिफिकेट लगाते हो या प्राइवेट जॉब में ये सर्टिफिकेट लगाते हो पूरी तरह से वैलिड होगा। और साथ में आपको ये डिप्लोमा मिलेगा पूरा, यानी कि छोटे छोटे कोर्सेज के रूप में नहीं पूरा एक डिप्लोमा मिलेगा आपको कंप्यूटर का, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात हो गई आपके लिए। तो चलिए हम यहाँ पर समझेंगे इसका नाम क्या होगा। तो इस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड डिप्लोमा इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल एंड पब्लिशिंग DSPP। इसकी टोटल ड्यूरेशन 12 मंथ की होगी, जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इसमें हम आपको क्या क्या सिखाएंगे वो हम यहाँ पे बताते हैं। इसमें साथ के साथ हमने कुछ कोर्स नए ऐड किए हैं जो कि लॉकडाउन कंडीशन को देखते हुए लॉन्च किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की ड्यूरेशन में जितने भी ऑफलाइन वर्क थे सभी फेल हो चुके थे, तो हमने अदर एक्टिविटी के रूप में कुछ ऐसे कोर्स लिए हैं जो घर बैठे बैठे भी अगर आप इनकम करना चाहो बाद में तो आप कर सकते हो। और ऐसी लॉकडाउन कंडीशन कभी भी आ सकती है, हम कह नहीं सकते कब आ जाए, कोरोना चला जाएगा लेकिन हो सकता है अलग अलग टाइप के वायरस आ जाए या फिर कोई अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें लॉकडाउन की वजह से आप ऑफलाइन काम ना कर पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पूरा फंडामेंटल समझेंगे इस कोर्स के अंतर्गत, जिसमें आपको MS ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा बताया जाएगा, किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, कैसे काम करता है और आप कैसे सीख सकते हो, पूरी नॉलेज इसमें आपको दी जाएगी। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको सिखाई जाएगी। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जितने भी हमारे ऑफिस के वर्क होते हैं वो पूरे आते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, MS Excel और साथ के साथ पूरे कंप्यूटर को किस तरह कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं और आप कहीं जॉब लेने की इच्छा रखते हैं तो आपको करीबन 7,000 से 8,000 की जॉब इमीडिएटली मिल जाएगी इस कोर्स को करने के बाद। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सबसे बड़ी बात इस कोर्स में सभी कोर्स आपको कराए जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है हमारा टैली, टैली के अंदर जितने भी हमारे GST के कॉन्सेप्ट होते हैं, टैली कॉन्सेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो पूरे आपको सिखाए जाएंगे। और इस कोर्स को करने के बाद अगर आप कहीं जॉब लेने जाते हो तो आपको आराम से 15,000 से 20,000 की जॉब यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद प्रिंट एंड पब्लिशिंग, प्रिंट एंड पब्लिशिंग में हमारा कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, आपने देखा होगा जितने भी हमारे बैनर बनते हैं अलग अलग संस्थानों के लिए तो वो कोरल ड्रॉ द्वारा ही बनाए जाते हैं, और जितनी फोटो की एडिटिंग होती है वो फोटोशॉप द्वारा की जाती है, तो ये भी कोर्स आपको इसमें कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस कोर्स को करने के बाद आप 20,000 से 25,000 तक की जॉब प्राप्त कर सकते हो, साथ में अपना एक ऑफिस खोलना चाहो कोरल ड्रॉ का तो आप वो भी खोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट में मान के चलिए कि आप कितने भी बड़े कुछ भी काम कर लो, जैसे आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन आप 2 लोगों के आगे या 10 लोगों के आगे बोलने में घबराते हो तो आपकी पर्सनैलिटी बेकार है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। तो लीडरशिप की क्वालिटी कैसी क्वालिटी होती है जो हर जगह काम आनी चाहिए, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो या जो कुछ भी हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करके देंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप कुछ भी कर सकोगे अपनी लाइफ में। इसके बाद है हमारे यहाँ पे कंप्यूटर मेंटेनेंस, आपने पूरा कंप्यूटर सीख लिया लेकिन कंप्यूटर सीखने के बाद अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आप उसको कैसे सही करोगे, अगर आप खुद अपना कंप्यूटर सही नहीं कर पा रहे हो तो आपकी कंप्यूटर नॉलेज बेकार है। तो हम यहाँ पे आपको कंप्यूटर मेंटेनेंस करना भी सिखाएंगे कि अगर कंप्यूटर खराब हो जाए तो आप किस तरह सही कर सकते हो, और सीखने के बाद अगर आप इसकी एक शॉप खोलना चाहो, आपने देखा होगा जब भी हमारे कंप्यूटर खराब हो जाते हैं तो हम एक शॉप के पास जाते हैं और वो हमारा कंप्यूटर सही करता है, इसके बदले वो हमसे 1,000, 2,000, 3,000 जितना मन करता है उसका वो ले लेता है, तो आप सोच सकते हो इसमें कितनी इनकम है, तो आप इसको भी
कर सकते हो। इसके अलावा हमने जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी डाली है वो डाला है अर्निंग मेथड विद इंटरनेट। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन की ड्यूरेशन में जितने भी ऑफलाइन काम थे वो सब ठप पड़ गए थे, तो ऑनलाइन एक जरिया था जिसकी वजह से लोग आगे ग्रो कर पाए। और आप सोच नहीं सकते ऑनलाइन में कितनी इनकम है। तो यहाँ पे हम आपको फ्रीलैंसिंग जॉब्स का दिखाएंगे कि किस तरह फ्रीलैंसिंग जॉब की जाती है। घर बैठे बैठे किसी अदर कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा स्टार्टिंग योर ऑन वेबसाइट, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के भी इनकम कर सकते हो, और वेबसाइट की इनकम बहुत ज्यादा बड़ी होती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप हमारे सेंटर पे आके मिल सकते हो, आपको प्रूफ भी देंगे। इसके अलावा YouTube से कैसे इनकम की जाती है, Facebook पेज से कैसे इनकम की जाती है, अपलेट मार्केटिंग करके आप घर बैठे कैसे इनकम कर सकते हो, और इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो सभी आपको इस कोर्स के अंतर्गत सिखाए जाएंगे। चलेंगे आगे की तरफ, स्कॉलरशिप एग्जाम कैसे होगा और आपको किस तरह से लाभ होगा। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम में आपको 40% से लेके 140% तक की छूट होगी, और आप एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोर्सेज में आपका आएगा नॉर्मल जीके के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन। अगर आप 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक लेके आते हो तो आपको 40% स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि आपको 720 रुपए पर मंथ का चार्ज होगा कोर्स को करने के लिए। ठीक है, 21 नंबर से 30 नंबर तक अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको 60% तक के स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपको 480 रुपए पर मंथ पे करने होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जिनके नंबर 1 से लेकर 30 तक आ रहे हैं उनका एडमिशन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो बच्चा 30 नंबर से कम नंबर लेके आ रहा है यानी कि उसकी नॉलेज कम है, तो उनके चांसेस कम होते हैं सीट उनको मिल पाने की। कहानी स्टार्ट होती है 31 से 40 नंबर के बीच। अगर इतने नंबर आते हैं तो 70% की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी और 360 रुपए पर मंथ आपको चार्ज होगा। आप समझ सकते हो 360 रुपए कितने कम है। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करने जाओ केवल एक कोर्स, तो आपको 4000 से 5000 रुपए चार्ज होगा, और इसमें हम आपको बहुत सारे कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं केवल इतनी फीस में। इसके बाद हमारा 41 से 50 रुपए, तो आपको 73% क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, और 324 रुपए पर मंथ आपको चार्ज देना होगा। 51 से 80 नंबर तक अगर आप लेके आते हो तो आपको 75% क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, और 300 रुपए पर मंथ आपका चार्ज होगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो और 81 से 90% तक लेके आते हो तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और पूरे 12 महीने का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्वालिफाई हो, एक्स्ट्रा दिमाग रखते हो, तो 90% से 90 नंबर से अगर ज्यादा लेके आते हो तो आपको 140 रुपए की परसेंटेज की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें आपको 480 रुपए हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे और कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। क्लियर है आपको। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें, ये जो एग्जाम होगा हमारे यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों कंडीशन में हो सकता है। प्रोस्पेक्टस आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से मंगा सकते हैं। 30 रुपए प्रोस्पेक्टस का चार्ज होगा, और यहाँ पे हम आपको बता दें जो भी इस कोर्स को करने के बाद जॉब लेना चाहेगा उसको 100% प्लेसमेंट गारंटी है हमारे यहाँ पर, उसको 100% प्लेसमेंट हमारे द्वारा दिया जाएगा। और कोर्स करने के बाद आपको यहाँ पर एक टैबलेट कंप्यूटर द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके भी हाईएस्ट नंबर आएंगे उसको, और साथ में आपको फ्री ईबुक हुए जितनी भी स्टूडेंट है उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर 2 सगे भाई बहन करते हैं और तीसरी संतान भी उनकी करती है तो उसकी शिक्षा पर 50% की छूट भी दी जाएगी आफ्टर स्कॉलरशिप एग्जाम। इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे आगे की कोर्स के आगे की डिटेल। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, और यहाँ पे अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा उस पर कॉन्टेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं, या फिर हमारे सेंटर पे विजिट करके आप पता लगा सकते हैं। ये हमारा फॉरम है जिसको आपको पहले फिल करना होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे हमारे पास अदर कोर्सेज भी हैं, जैसे कि मान के चलिए आप फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कराए जा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। 10th क्लास की मैथ, साइंस, इंग्लिश और साथ के साथ अकाउंटिंग भी आपको कराई जा सकती है, बायोलॉजी भी कराई जा सकती है, बायोलॉजी साइंस भी आती है हमारे यहाँ पर। 11th 12th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश भी हमारे संस्थान पर यहाँ पर कराई जाती है, और इनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा। जो भी इस स्कॉलरशिप एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे उन बच्चों के लिए यहाँ पर अलग से क्या होगा, डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बेस्ट टाइम की बात करें तो मॉर्निंग में 6-6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हमारे कंटिन्यूस बेस्ट चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अदर कोर्सेज भी हैं, जैसे ऑटोकैड हो गया हमारे यहाँ पर, सॉलिड वर्क्स हो गया, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। इसके बाद CCC वह इस कोर्स को करने के बाद आपको CCC की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी आप करना चाहें तो यहाँ पे आपको CCC की स्टडी भी कराई जाती है। तो इसी के साथ हमारी डिटेल पूरी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों स्कॉलरशिप एग्जाम में पार्टिसिपेट जरूर करें, हो सकता है आपकी नॉलेज आपको फ्यूचर में बहुत आगे ले जाए। और साथ ही इस जानकारी केवल अपने तक सीमित बिल्कुल ना रखें, आपके जितने भी दोस्तों इस जानकारी को शेयर कर दें, जिससे वो भी इस स्कॉलरशिप एग्जाम का हिस्सा बन पाए। मिलते हैं नेक्स्ट।